तो चलते चलते हम लोग को एक फुरफुरिया सांप मिल गया। ये देखो, जंगल में कुछ भी हो सकता है, और भी तरह तरह के सांप मिल सकते हैं। दोस्तों यहाँ चल रहा है नागर की जुताई, आप लोग देखो इधर मस्त घर है बनाया हुआ। यहाँ दोस्तों फिर दोबारा फोड़ दिए हैं, अभी इसको हम लोग बांध के गए थे, और अभी हम लोग का ये पानी वाले से लड़ाई हो गया था। तो क्या है कि पानी फिर भी कम आ रहा है, और फिर हम लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं देखने के लिए, और यहाँ एक ट्रैक भी हो जा रहा है। भविष्य में अगर आप लोग आना चाहोगे तो यहीं ट्रैक कराएंगे अपने पहाड़ वाले घर से। तो आप देख रहे हैं फंटस ब्लॉग, और मैं राजपूत हमेशा की तरह स्वागत करता हूँ आज की नए वीडियो में। दोस्तों मैं हूँ अपने पहाड़ वाले घर में अभी, और आज का मौसम भाई मस्त है यहाँ, और हमेशा की तरह यहाँ मस्ती होता है, और यहाँ शांति सुकून सब कुछ मिलता है इस वाले घर में। तो चलिए देखते हैं यहाँ का पहले सीन, उसके बाद फिर चलते हैं अपने जो काम से आया हूँ वो काम हूँ, आपको आगे बताऊंगा क्या काम से यहाँ आया। ये देखिए दोस्तों, आज का ये मौसम है और काफ़ी मस्त है, एकदम शांत सुकून वाला माहौल है पूरा यहाँ। इस तरह से देखो पूरा एकदम शांति सुकून भरा है यहाँ, दूर दूर तक और हमारा घर। तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोग ना थोड़ा सा खेती बाड़ी के लिए पानी की आवश्यकता है, और बारिश तो हो नहीं रही है अच्छे से कि हम लोग अब क्या बोलना चाहिए अच्छे से खेती कर पाए, इसलिए नहर वाला पानी लेने के लिए जा रहे हैं अभी। देखो अब कहाँ मिल पाता है, लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर अभी पैदल चलना पड़ेगा, पहाड़ ही पहाड़। तो फिर जाएंगे वहाँ से नदी वाला पानी लेके आएंगे, और मतलब हमारा ये खेत है, ये पीछे देखो कितना पूरा सूखा पड़ा हुआ है, पानी गिर रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है जिस हिसाब से यहाँ रुकना चाहिए, सूख ले रहा है, और यहाँ पानी भी पझरने लगता है। जैसे अभी थोड़ा लंबा बरसात होगा तो फिर अगस्त महीने से फिर पानी की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन फिलहाल शुरू में यहाँ दिक्कत होता है, और लास्ट मार्च में यहाँ दिक्कत होता है जब गेहूँ लगाते हैं उस टाइम। भैया यही वाला पानी है, और अभी इसी को लेने जा रहे हैं हम लोग, मतलब आगे अभी कोई रास्ता में कोई दूसरा कोई ले लिया होगा, और साथ में है बड़ा, और बड़ा बोले तो बड़े पापा को बोलते हैं गाँव में। हम लोग चलते चलते अब एक दूसरे छोर में आ चुके हैं, अभी तक पानी कहाँ फोड़े हैं समझ में नहीं आया है, बस चल रहे हैं तो चल रहे हैं, ऐसा कुछ है सीन। नहर के किनारे किनारे ही चल रहे हैं अब, जहाँ तक पानी मिले अब देखो। वैसे तो यहाँ आवाज़ आ रहा है फोड़े हैं करके, ये देखिए यहाँ कुछ फूटा दिख रहा है पहला, अब देखते हैं आगे, और उसको बांधेंगे उसके बाद लेके चलेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से कुछ पानी फोड़े हुए हैं तो जा रहा है वो आगे खेती कर रहे हैं उधर, मतलब अभी नागर जुताई कर रहे हैं उस एरिया में जा रहा है, तो लिए उन लोग को मना करके आते हैं कि मत फोड़े करके। दोस्तों यहाँ चल रहा है नागर की जुताई, आप लोग देखो इधर इस तरह से नागर की जुताई करते हैं, इसका भी फुल वीडियो डालेंगे समय आने पर। ये देखो, और दोस्तों यहाँ देखो क्या बोलना चाहिए, इन लोग को बजा देते हैं, मत फोड़ी होना बाबू, हम पानी पटा ले जाते। और बड़ा अभी तलाश कर रहे हैं कि कहाँ पानी जो भग रहा है वो पानी के अंदर है, पाइप डाल दिए हैं उसमें, तो फिर उसी को अब बांध रहे हैं। हम लोग सोच रहे थे कि पानी यहाँ फोड़ेंगे भाइयों, लेकिन देखो पानी ऊपर से ही कम आ रहा है। आते आते हम लोग फिर से वो झरिया वाला जहाँ हम लोग आम खाए थे ना पिछले वीडियो में आप लोग ने देखा होगा, वहाँ फिर से आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों ये मिल चुका है हम लोग को जहाँ पानी फोड़ा गया है, देखो इधर कुछ नहीं आ रहा है हमारे साइड, और इधर पूरा जा रहा है, और हम लोग जो है ना रात से लगे हुए थे, तो अब इसको बंद करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग साइड पानी जाएगा, और अभी उन लोग को मैं बता के आऊँगा। और यहाँ हम लोग आम खाने आए थे, चलिए वो भी आपको दिखाएँगे। मैं फिर से आ चुका हूँ देखो यहाँ जहाँ लोग आम खाए थे, और बताया था ना ये वाला पेड़ का आम बहुत मस्त मीठा आम है, तो अभी जा रहे हैं फिर से क्या बोलना चाहिए, पहले तो अभी जाऊँगा मैं जहाँ खेत में क्या बोलना चाहिए कि जो पानी ले रहे हैं उनको, उनके यहाँ जाऊँगा और उनको बताऊँगा कि पानी हम लोग ले रहे थे रात को, तो आप लोग खूब मजा मारे हो बोल के। पानी अभी ये लादे ले रहे थे तो अभी इनको मना कर दिया कि मत लें बोल के, छीन ले जाए ना। हाँ हाँ ठीक है। और हमारे पानी बरा देखा था नहीं पटा थे, एक वाटरफॉल दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, फलगल के पत्थर के समान वहाँ, और वहाँ का वीडियो ऐसे मैं डाल चुका हूँ, आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो, काफी मस्त वाटरफॉल है। खेत तो कंप्लीट हो चुका है पूरा,
अभी इनको बोल तो दिया हूँ कि पानी मत फोड़े बोल के, देखो अभी इधर आगे बहा रहे हैं जैसा कि कंप्लीट हो गया, इसीलिए अब शायद रोपा ऊपा करेंगे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखो अब बता तो दिया हूँ सबको। अभी हमको जामुन का पेड़ मिल गया, देखो कितना सारा लदा हुआ है पूरा इधर तक। दोस्तों क्या है कि पानी फिर भी कम आ रहा है और फिर हम लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं देखने के लिए, और यहाँ एक ट्रैक भी हो जा रहा है। भविष्य में अगर आप लोग आना चाहोगे तो यहीं ट्रैक कराएंगे अपने पहाड़ वाले घर से, और ये वाला रास्ता इसी में ट्रैक कराते हुए आपको वो वाटरफॉल दिखाने के लिए ले जाएंगे, ऐसा कुछ प्लान है मेरा। अगर समझ में आता है तो बताइएगा आप भी। पूरा पहाड़ किनारे 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 आपको पूरा ट्रैकिंग कराएंगे ऐसे ही, और पहाड़ किनारे आपको घर भी देखने को मिलेगा इस तरह से। देखो कितना मस्त घर है बनाया हुआ, ऊपर देखो खपड़ है और नीचे क्या है कि प्लास्टिक बिछा दिया है और उसके ऊपर पुआल कर दिया है जैसे कि पानी मतलब गिरे तो फटे मत बोल के। और इधर गिर रिश्ते हुए वो छोर से दूसरे तरफ पानी निकल जाएगा। देखो इस तरह से घर है। तो चलते चलते हम लोग को एक फुलहरिया सांप मिल गया। ये देखो जंगल में कुछ भी हो सकता है, और भी तरह तरह के सांप मिल सकते हैं। ये देखो दोस्तों अभी यहाँ भी थोड़ा सा भाग रहा है इधर से, थोड़ा 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 करके इतना पानी भर जाता है कि कहने लायक नहीं। जब आप ट्रैकिंग करने के लिए आएंगे कभी यहाँ भविष्य में, वैसे तो आप किसी जो भी वीडियो देख रहे हैं किसी ना कोई तो आएगा ही, तो देखो इस तरह से आपको पहाड़ देखने के लिए मिलेंगे और पहाड़ों के मतलब साइड साइड ही देखो इस तरह से पैदल चलेंगे नहर के किनारे किनारे और पूरा वाटरफॉल तक। देखिए दोस्तों यहाँ हम लोग को एक डैम मिला है, छोटा वाला डैम, बड़ा वाला आगे है, ये छोटा वाला डैम है। उतर रहा है झरिया वाला पानी इस तरह से, और हम लोग ये जगह में मैं पहली बार आया हूँ, मुझे तो पता नहीं था कि इस टाइप से भी एक छोटा डैम है बंधा हुआ है। आप लोग देखो इधर से इस टाइप से कुछ नज़ारा है, और असली नज़ारा तो उधर है पहाड़ों के और अंदर। जंगल में घूमते घूमते दोस्तों देखो ये फिर से कोई पेड़ का कटाई करके गया है, बहुत ही बड़ा पेड़ को काटा गया है। देखो आप लोग ये आज ही का है समझो, ये देखो मतलब उत्पात मचा के रखे हैं। देखो भाइयों इस तरह से जंगल का कटाई कर रहे हैं लोग, इतना कटाई कर रहे हैं कि कहने लायक नहीं। अगर मैं अगर इसे रोक लगाता हूँ, अगर पर्सनली रोक लगाऊंगा तो मैं सबका दुश्मन बन जाऊंगा। ना ही इस पर गाँव वाले ध्यान दे रहे हैं और ना ही कोई सरकार इस पर ध्यान दे रहा है, और इतना पेड़ काट रहे हैं कि कहने लायक नहीं। क्या ही बोल सकते हैं, हम लोगों को समझदारी तो है ही नहीं उन लोगों का। मैं मेरे साइड वाला जंगल में तो और भी पूरा पेड़ काट चुके हैं, इधर तो थोड़ा मोड़ा बचा भी है। चलो अब चलते हैं, ज़्यादा बोलूँगा तो मैं किसी का दुश्मन बन जाऊँगा, गांव में ही पता है ना। कंटिन्यूस 3-3.5 किलोमीटर ट्रैकिंग करने के बाद अभी ये पहला बैठा हुआ हूँ, मतलब पहली बार अभी बैठा हुआ, और काफ़ी थक गए हैं दोस्तों। जितना पानी सोचे थे इतना तो आ नहीं रहा है, अब थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे उसके बाद फिर चलेंगे घर, उसके बाद वापस खाना खाने के लिए घर जाने के बाद पहाड़ वाले घर से। यहाँ दोस्तों फिर ये दोबारा फोड़ दिए हैं, अभी इसको हम लोग बांध के गए थे और अभी हम लोग का ये पानी वाले से लड़ाई हो गया था। फिर से देखो किस तरह से जा रहा है पानी, अभी दोस्तों पूरा पानी के लिए लड़ाई हो जा रहा था उस लड़के से जो थंबनेल में आपने देखा, उसका वीडियो तो मैं नहीं बनाया। भसा भस्ती पूरा हो गया था कि पानी के लिए, और मतलब अभी शुरुआती दौर में ऐसा होता है कि लड़ाई होता है, और क्या बोलना चाहिए शुरुआती और लास्ट में उसी टाइम पानी की तकलीफ है, उसके बाद तो फिर यहाँ पानी अपने आप आने लगेगा, नदी वाला यहाँ का बजरा पानी। बस ऐसे ही कुछ हम लोग जा रहे थे वापस, अब काफ़ी लंबा ट्रैक हो गया, थकान भी बहुत ज़्यादा हो गया, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, बस नहा के सीधा इधर ही आ गया था, और बड़ा के साथ चल ही रहे हैं वापस। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो एंड कर देते हैं, क्योंकि मैं अपने पहाड़ वाले घर पे आ चुका हूँ वापस, और ये बाइक है, और इधर का जो ट्रैकिंग होना था हो चुका है।
और पानी तो शायद ही मुश्किल आएगा लग रहा है, क्योंकि अभी फिर वापस आते तक फिर ही कोई फोड़ देगा, और जितना पानी आना चाहिए नाली में उतना आ नहीं रहा है। अभी हो गया था एक भाई से, थोड़ा सनकी टाइप से लग रहा था, लेकिन क्या करना, अपन भी वैसे ही थे। दोस्तों इस वीडियो को एंड कर देते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बाय बाय।